हेलो फ्रेंड्स, कैसे हो आप लोग। मेरा नाम है जाकिर और आप देख रहे हैं अपना यूट्यूब चैनल जाकिर फॉर यू। तो गाइस, आज हम लोग सीखने वाले हैं कि इंस्टाग्राम पर अकाउंट सेटिंग के अंदर आपने एक ब्राउज़र सेटिंग देखा होगा, ब्राउज़र सेटिंग किस लिए दिया है, इसको यूज़ कैसे करते हैं, इसको यूज़ करने से क्या क्या बेनिफिट मिलता है दोस्तों, आज हम लोग ये जानने वाले हैं। दोस्तों, अगर आप भी जानना चाहते हैं इंस्टाग्राम पर ए ब्राउज़र सेटिंग किस लिए दिया है, इसको यूज़ कैसे करते हैं, इसको यूज़ करने से हमारा क्या क्या फ़ायदा है दोस्तों, आप भी जानना चाहते हैं तो इस वीडियो को एंड तक देखिए, बिना स्किप करें। चलो गाइस, बिना टाइम वेस्ट करके स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले आपको अपना इंस्टाग्राम ओपन करना है। करने के बाद आपको नीचे मिलेगा आपका प्रोफाइल का आइकन, इसमें क्लिक करना है। करने के बाद आपको ऊपर में थ्री लाइन का ऑप्शन मिलेगा, इसमें क्लिक करना है। करने के बाद आपको नीचे सेटिंग का ऑप्शन मिलेगा, इसमें क्लिक करना है। करने के बाद आपको यहाँ पे अकाउंट का ऑप्शन मिल जाता है, इसमें क्लिक करना है। करने के बाद आपको यहाँ पे नीचे में मिल जाता है ब्राउज़र सेटिंग, इसमें क्लिक करना है। करने के बाद यहाँ पे क्या क्या बेनिफिट्स दिया है हम लोग समझ के करते हैं। ब्राउज़र सेटिंग, ब्राउज़र डाटा, क्लियर योर कुकीज एंड कैच फ्रॉम वेबसाइट यू विजिट व्हाइल यूजिंग इंस्टाग्राम। इधर बोला है आप ब्राउज़र डाटा को क्लियर कर सकते हो, जो आपने इंस्टाग्राम पर रील्स वीडियो देखा है यहाँ पे आकर डाटा को क्लियर कर सकते हो। बाद में नीचे आपको क्लियर ब्राउजिंग डाटा कर देना है। बाद में आपका जो इंस्टाग्राम पर डाटा गया है तो वहाँ पे आप क्लियर कर सकते हो। यहाँ पे नीचे देखो, योर ब्राउज़र डाटा लास्ट क्लियर 1 सेकेंड एगो, मतलब मैंने 1 सेकेंड पहले अभी किया था ना क्लियर डाटा, यहाँ पे नीचे मुझे दिखा रहा है। बाद में नीचे क्या बोला है, ऐड कॉन्टैक्ट इन्फॉर्मेशन, इसमें क्लिक करना है। करने के बाद यहाँ पे जो जो इन्फॉर्मेशन बोला है यहाँ पे आप डालने से सेव करके रखने से दोबारा से आप जब इंस्टाग्राम लॉगिन करते हो या दूसरा सेटिंग करने पर मांगता है, यहाँ पे आप एक बार में करके यहाँ पे सेव में क्लिक कर दोगे तो आपको दोबारा से ये सब इन्फॉर्मेशन नहीं मांगेगा। अब जो इंस्टाग्राम लॉगिन करने पर भी मांगता है, फिर दूसरा कुछ भी सेटिंग करने पर ये सब मांगता है, नहीं मांगेगा। यहाँ पे आप एक बार में टाइप करके सब आपका यूज़र नेम, लास्ट नेम, एड्रेस, एप्रोफेशनल, सिटी, स्टेट्स, ईमेल, टेलीफोन, ये सब मांगता है ना। इंस्टाग्राम लॉगिन करने पर भी मांगता है, दूसरे सेटिंग करने पर भी मांगता है। अब यहाँ पे ये सब एक बार लेकर सेव कर दोगे तो दोबारा से ये सब नहीं मांगेगा। बाद में ऑटो फिल, ऑटो यू कॉन्टैक्ट इन्फॉर्मेशन को अनेबल करके रखना है। ये सब यहाँ पे ये सब लिख कर आपको पैक होकर इसको अनेबल करके रखना है। तो वीडियो यहीं तक ख़त्म हो जाता है। वीडियो आपको अच्छा लगे चैनल कर देना सब्सक्राइब और बेल आइकन घंटी को भी दबा देना और एक लाइक कर देना और कमेंट में ज़रूर बोलना दोस्तों इस वीडियो को आपको कैसा लगा। तो तब तक के लिए बाय, मिलते हैं अगले वीडियो में।